प्रेजेंट बाय SPF लाइव राजसमंद। बोले हूँ सूत सुना हूँ ऋषि राई, आगे की औरत सुनो चित लाई। ओ बोले हूँ सूत सुना हूँ ऋषि राई, अरे आगे की औरत सुनो चित लाई। सत्यनारायण भगवान की आए हो। तीसरा वर्ण है वैश्य, वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण में एक उल्कामुख राजा और रानी प्रिया प्रमोद। रिया बहुत सुंदर कथा है, आप रवि सुनजो। एक साधु नामी सेठ है और लीलावती कथा है। एक समय की बात है, सेठ जी ने लाखों करोड़ों रिपहान तो लक्ष्मी कोई कमी नहीं, मगर बने सेठ जी ने एक कोई आल औलाद नहीं एक समय की बात है, सेठ जी धन ने बड़ावर चक्कर में बड़ावर खातिर प्रदेश में कमाई रवाते निकले। नाम में बैठे नाम में चेहरा है, नाम में जावता 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 बनी रतनपुर बॉर्डर पे सेठ जी बटा राजा उनका मुख और प्रिया परमोत्ता बटे मंगल में जंगल में भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा करता करता दिखे दिखते हैं। सेठ जी मन में विचार करे कि वो नहीं, वो अपना तेसरा राजा है, चला तो कहीं कहीं है कहीं नहीं है। सेठ जी राजा पास जावे, राजा राजा ने देखे राजा सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ करे करता करता प्रसाद माटे जब राजा शेठ जी ने नके आवे शेठ जी ने प्रसाद देवे तो शेठ जी राजा ने कहे राजा यो कही है जंगल में मंगल आप रपा आतरो रिपो होनो चांदी नौकर चाकर कोठी मंगल आतरो है, फिर भी आप सुबह ने त्यागी ने जंगल में मंगल अट था कही करो। तो राजा शेठ जी ने कहे लगे कि राजा है जो सब यो ही से बाकी सब अटी से रही जानो है, भगवान सत्यनारायण भगवान ने भूखा ने भोजन देवे नी संतान ने संतान भी देवे जो नी संतान तो संतान तो नाम लेतो शेठ जी मन में एक लागो कि मारे संतान की कहीं का मने ये संतान दे सके। तो राजा क्यों हुकम संतान का नहीं दे दे सके आपने संतान आप मांगो तो खरी ना कि कहो संतान मांगा तो दे तो मुझे कहीं करनो पड़े कि था भगवान नाम ने संतान की कथा करा जो करे मां करे राजू करवा जो। तो देखे राजा थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति रहा सेठ जी, शेठ जी कंजूस प्रवृत्ति रहा थोड़ा। शेठ जी क्योंकि देखो राजा मारा करे आल औलाद वे तो मुनी व्रत ने करूला बाकी मु एक भी खर्चो करे वालो नहीं। राजा क्यों अरे थानी मर्जी वे जो खर्चो ऊपरे भगवान रो सिंहासन डोलियो केनी राजा ने शेठ जी रा माते मारा ने को पुत्र पुत्र मांग ली दिए, मगर अनी शेठ जी रा नसीब में आल औलाद कई से लिए छोरो तो नहीं है पर छोरी भी नहीं, मगर भगवान उधारी कन्या लई राजा रे नसीब में पुत्री रो जन्म रो देवे। तो सजनो राजा सेठ जी ने प्रसाद देवे पंचामृत प्रसाद देवे, सेठ जी विदेश जा रहे जो कैंसिल कर पैसा घरे जावे घरे जे रानी ने रात 12 बजे आलो खटखटावे सेठानी ने कहो सेठानी मां उठो ओ सेठानी मां ओ लीलावती उठो उठो उठो। सेठानी मां उठी भी दरवाजा खोले खोले देखे सेठ जी आया लगा जो शेठ जी कल सेठानी नाम में प्रसाद ने आगो करे आगो करे कि लो शेठ जी लो जी लो सेठानी जी अपने घरे सब आनंद भी जी सेठानी मांगे हुकम आनंद तो पे बुढ़ापा में भी आ लगाई से आनंद तो कहीं नहीं वे, मगर जो सत्यनारायण भगवान रो नाम लो शेठ जी के लोग सत्यनारायण भगवान रो प्रसाद और आप लो आपने भगवान सब आनंद करे जो सत्यनारायण भगवान रो नाम लो सेठानी मन में जाना कहीं लागो कि वे सके आने मानक कर गए आल औलाद वही जा। तो सजनो प्रसाद ले दो समय निकलता टाइम नहीं लगी जुई 9 महीना बीतिया सेठ जी और सेठानी करे एक सुंदर कन्या रो जन्म भगवान सत्यनारायण भगवान की कृपा।
जिन्हें कोई आल औलाद नहीं वे वो भी अगर भगवान सतनाथ भगवान ने बद कथा कर ले तिल्लू कथा कर ले तो भगवान उन्हें आल औलाद भी दे। सब देवे मारो नाथ सब सब पूर्ति कर। तो सजनो अब सेठ जी और सेठ जी करे कलावती रो नाम आयो बनो छोरी रो नाम हो कलावती है सेठ जी ने मारो नाम हो लीलावती। एक समय री बात सेठ जी दुकान में हिसाब किताब मलेरा वे और हिसाब किताब मलेरा वे ने अड़ने गवाड़ी में ने सेठ जी री छोरी और दो पांच छोरिया खेलती लगी दिखे खेलती लगी दिखे। सेठ जी देखता 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 कुछ समय बीते एक साल दो साल तीन साल पांच साल दस साल पंद्रह साल बीते छोरिया खेलती लगी दिखे। सेठ जी ने सेठ जी मन में विचार करे कि अब मारी छोरी मोटी वेगी मतलब पनावा लायक वेगी। सेठ जी सेठानी ने बुलाव की सेठानी माँ आटे पधारो आपने एक आप बात मानो तो आपने एक बात क्यों सेठानी माँ को हुक्म कहो कि आपकी बात तो मानो कहानी मानो क्यों कि आप कहो तो आपने छोरी रा बात एक बढ़िया अच्छो वर ढूंढ ला ब्याह पूरा करवा। हाँ तो सेठानी माँ बड़ा राजी भैया कि हाँ हुक्म ब्याह रो ब्याह भी भेजी और आप जो कथा के क्यों लोग जो वो कथा री कथा भी भेजी जो ही थारो नाम लिखो सेठ सेठ जी थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति रहा सेठ जी जो सेठानी मां कथारो नाम ले दो और सेठ जी रा हार्ट अटैक आनो शुरू वेगो को सेठ सेठानी मां मारे हार्ट अटैक आयो 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 सेठानी मां को हुकुम मां पर कही पियो के सेठ जी सेठानी के उठू वेंडी से के तने के ठानी पड़े हैं हाल तो छोरी ना पन्नाणी है अने पन्नाई केले करनी हाल घना काम बाकी है हैं सतनारायण रानी घोटाला ने तभी पछि काट देवा तू का टेंशन ले रे ने वो हूं जीवता हूं अभी जीवता हूं तो इनका भी मरी गया अरे घोटाला ना भी पछे काट देवा टेंशन मत आली पर पन्ना वरो यो वो सिस्टम करो एक अने बढ़िया अच्छो वर देखो ये तो काम करो नहीं लो सतनारायण फतनारायण लेन वेगी तू वो तो पछे कर ले आपने ठाए करनो है एक बार आपने छोरी रा बात अच्छो वर देखो। तो सजनो थोड़ा एक दिन बाद दूर देश अंतर में एक अच्छो सो वर देखियो अब सेठ जी और सेठानी ना करे कलावती रो व्याव मंडियो व्याव मंडे व्याम मंड तो किन सर्वप्रथम व्याम में विनायक जी रो पाटो बैठावे विनायक जी रो पाटो बैठावे बढ़िया लुगाया गीत गावती लगी सेठ जी ना करे व्याम मंडे कलावती रो और कलावती रो व्याम में सर्वप्रथम गीत गावे और गीत में गीत कई प्रकार गावे लुगाया एक गीत गावे और गीत गावती लगी भगवान गजानन जी ने सर्वप्रथम विनायक जी रो पाठा ने सर्वप्रथम बैठावे और विनायक जी ने मनावे हे विनायक जी आप अपनी व्याम शादी में पधारो अपने कार्य ने सिद्ध करो। बहुत छोटा सा भजन आपने विश्वास गुरु कि सेठ जी और सेठानी करे व्याम मंडी जा कलावती रो और कई प्रकार गीता में गीत गावे हे प्रभु अरे चालो गजानंद जोशी जी रे चाला अरे अच्छा अच्छा लगन लिखवा ओ गजानंद अच्छा अच्छा लगन लिखवा ओ गजानंद को तारी काटी पर नो पतवा जा अरे झरण झरण झालर बजे ओ जी गजानंद जोशी जी रे चाला बोलो सत्यनारायण भगवान देखे सेठ जी और सेठानी करे कलावती रो व्याह मंडे व्याह मंडे तो गजानंद जी महाराज ने मनावे चालो गजानंद जोशी जी रे चाला अच्छा अच्छा लगन लिखावा ओ गजानंद को तारी खाती पर गोपत बाजा। अब कलाव जरो व्याम मंडे तो माता बेना गीता में गीत गावा लगे और पाचे और कई प्रकार व्याम में गीत गावे और गीत कई प्रकार कहवे अच्छा अच्छा कामण गावे कई प्रकार गीत गावती लगी माता बेना छोटा छोटा गीत गावे और कई कहवे अरे आज मारा राई वरने आज मारा राई वरने दादो सारे करनो त्यार आज Do it!
अरे आज मारा राई वर ने दादो सारे घर नो त्यावरा दे अरे दादो सागर नो त्यावरा दे दादो कामण करिया ओ राज कामण करता जो पहली वो केता अब तो झूठी बाताओ राजे अरे कोरी कोरी मंदा की में नहीं रोजा मायो अरे कोरी कोरी मंदा की में नहीं देखो सेठ जी रह रहे ब्याह मंडे और ब्याह में लुगाई गीता में गीत गावा लगी अब जड़ी समय बनोला खावे बनोला खावता खावता दो चार दिन बीते मेल रोट समय में बनोली रो समय में बनोली निकले पचे आवे वराता वराता आवे वराता आवे फेरा फरती फरती माँ एक बेटी ने कड़ी प्रकारी कई सीख देवे क्योंकि पुराना समय में कोई माँ अपने बेटी ने कई प्रकार की सीख देती मगर आधुनिक युग में कोई बेटी माँ बेटी ने सीख दे के बेटी सर्वप्रथम तो तू पन पत्तों की जातों की तो एक बार एक काम कर दे न्यारी परी बीजे और उपले उपले कमरों थारे लाए जले बढ़िया हवा आती वे और थारा घर में थारी चाले थारा घर में थारी चाले तो ठीक बाकी ये गांठड़ी पल्ला रे बीज दी पर बांध ले जा रुपाची कामा बस्टे तो प्रिया जी तू मुझने करे परी ला आधुनिक युग में ये सी माता बिना अपने बेटे ने यहाँ सीख से कुछ कुछ ऐसे सीख दिया कि माता या माँ अपने बेटे ने कड़ी प्रकार की सीख दे वे कि हे बेटी हो जावो ये ससुरारे घर जोड़ी रोहे तारो वर जावो ससुरारे घर जोड़ी रो थारो वर भव बवरा पर तार बैजा अच्छा कर लीला टकड़ी ए मोटा कर लीला टकड़ी जाओ जाओ ससुरारे कर जोड़ी ए रो थारो वर जाओ ससुरारे कर जोड़ी रो ए थारो वर भव बवरा पर तार बैजी अच्छा कर लीला टकड़ी अरे मोटा कर लीला टकड़ी अरे ओ अरे कदीन के वे का मलाए तो करती देड़ो पानी वाए तो कदीन के वे का मलाए तो करती देड़ो पानी वाए तो मोटा कर रो कान काए तो कर जे मारी लाट करी अरे मोटा कर री लाट करी और कह रहे ओ अरे गर्गस्ती रो धर्म निभाजी गर्गस्ती एक माँ अपनी बेटी ने अनेक प्रकार की सीख देवे के बेटी अरे गर्गस्ती रो धर्म निभाजी आया ने तू आदर दीजे ससुरा जी री सेवा कर जे सासु थारी माँ यड़ली अरे मोटा कर री लाट करी ए जावो जावो रे ससुरा रे कर छोड़ी रो थारो वर हो घोरा पर थार बैजी अच्छा कर री लाट करी मोटा कर री लाट करी अरे मोटा कर री लाट तो सजनो माँ अपनी बेटी ने अनेक प्रकार की सीख देगी बेटी जावो ससुरारे कर जोड़ी रोहे थारो वर भव भव राम तार भई जी अच्छा घर दी लाल लकड़ी मोटा घर दी लाल लकड़ी है बेटी सो हारे जाजे हारे जिन मारा नाम ने लजामती बड़ो हाउजी होरा जी आदर कर जे पति री सेवा कर जे सवारो कान काई दो नाग जे मारो नाम लजामती उनी कहना चाहे भाई फलाना री बेटी असी जो मारा ने सेवा नहीं करती मारा ने सब ऊपर तापण कर दो काम एक माँ अपनी बेटी ने अच्छी सीख दी थी अब अच्छी सीख देता देता माँ और बाप
जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखनी कि हमेशा पूरी जिंदगी एक बाप अपना बेटा बेटी की शादी रवाते अपनी खुदरी कई भी जो चीज मन में कई चीज वे भाई मारे वहां चीज लू या मारे नया कपड़ा लू नवा जूता लू नवा चप्पल लू बड़ी चीजा ने भी एक बाप और एक माँ अपना मन में दबाई दे मतलब यूं नवा नवा चीजा नहीं खरीदे क्यों नहीं खरीदे क्योंकि यात्रा कृपा भी करवा जी तुम्हारी छोरी रहा हमारे छोरा ना नहीं आपको काम है मगर आज रहा युग रहा छोरा और छोरिया अपना माँ बाप की कदर नहीं करे कदर करना भूल ही गया बेटिया भी अपने मम्मी की कदर नहीं करे जो कि आप सब जना जान रहा और आज रहा युग में आप टीवी में भी देख रहा और होनी भी रहा कई 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 बेरो अपना देश में तो देखो सब अलग प्रकार की बात है तो अब माँ और पिताजी दो ही हरी मतलब यूं रोता रोता नीचे बेहोश में गिर जा क्योंकि एक बेटी की शादी में है वही समय एक माँ तो चलो मैं वैसे रोती रोती भी एक बार मतलब धीरज राखी ले मगर एक बाप जड़ी टाइम बेटी की विदाई वे नी वही टाइम बाप मतलब रोके भी नहीं रुके बाप कतरो भी मैंने रोकवारी कोशिश करे रोनो मगर वो बाप रो वो रोन बा ने ऐस जा मतलब ऐस वो बाप वन टाइम रो तो मन में विचार करे कि काले छोरी मारे आंगन में रमती मने कहती पापा मारे यूं लाजो पापा मु यूं करू मुकन टाइम काम को बाने आतो या छोरी आतो कि मारे बाद चाय होना तो मारा पानी ला दी कि पापा आप पग दो भाई दो आप माथो दो भाई दो यूं कर दी एक बाप वही समय वहां सब चीजें याद आवे वही बाप ने की मारे बेटी मारा आया सेवा कर दी मारा ला रही यूं रहती एक बाप रो तो बिलक तो अब पांच पंच चावे जो वगड़िया लगा करने वनावे और पांच पंचनी ऐसी मल जा तो बढ़िया लगा कर तूड़ो कर दे कर और सत्संग प्रेमी सत्संग जीवरी अगर पंचने में तो वे भी करो ना पांच पंच ऐसे आया पांच पंच मन में विचार करवा लागे कि अरे एकाएक बेटी अरे सेठ जी या भी अगर परी जाए तो ये सेठ जी और सेठानी बाप रख नहीं तक रही है तो दो ही एक रहे एक रहे तो एक दूसरा पंच बोले के हुक्म एक रह एक रह तो कहीं कहीं बढ़ के तो बैठा हूँ पढ़ी कुकम कहीं कहीं बढ़े तो बढ़ के बैठा हूँ तीसरा पंच बोले कि बढ़ के कहीं बैठा हूँ अरे नहीं जाना घर जमा ही रागी लो और चौथा पंच क्या जो जैन शेर जी ने ले रहे हो बांधे शेर जी ने तैयार घर जमा ही रागी लेता अब सजनो दन निकलता टाइम नहीं लगो जान जान रहा ठकाने जाओ भाई जान जान रहा ठकाने जाओ सांस कलावती लीलावती महल में राज करो शेर जमा ही दो दुकान पे राज करो और कमरा में ठाकुर जी बैठा बैठा इंतजार करो ही करो ठाकुर जी ने कही अगरबत्ती नहीं की अतरो व्याह शादी सब कुछ कर दो पर ठाकुर जी ने सब भूल गया सत्यनारायण भगवान ने सेठ जी भूल गया तो सजनो कुछ दिन गुजरिया दो पांच महीना निकला एक दिन सेठानी माँ सेठ जी के पास जाते और सेठ जी ने केवल लगी कि सेठ जी मारी एक बात मानो तुम आपने क्यों सेठ जी को आप आदेश करो आपने कई बात छठानी माँ के हुकम आप झंडे में अपनी छोरी नहीं पैदा नहीं उठा पहले आप एक प्रण ले दो भाई मारा करे आल औलाद मुझे तुम तो यहाँ व्रत उपवास करो जो ही व्रत रो नाम तो शेर जी ने पाचो हार्ट अटैक आना शुरू शेर जी छठानी मान के तुम मैंने कहीं मार मार बात इस पैदा भी कहीं तुम मैंने मार मार बात इस पैदा भी की जितनी बार थू मार पास में वो बात करवाई थे मैंने हार्ट अटैक री बात इस की है थाने अतिरिक्त ठान नहीं पड़े कोई मार पति कई टेंशन नहीं है तू आइन ले व्रत करो व्रत तो करता हाल तो मरिया तो है नहीं जीवता व्रत पची भी कर ले तो ये नवरी बात कहीं मत कर और तू एक काम कर तो धनरी कांटा बांध अपने अपनो जमाई है जो कतरो को होशियार एक डेल है जो मुने थोड़ो को प्रवीण कर ले उन्हें प्रदेश में ले जो तो सजनो तो बड़े धनरी कांटा बांधी और शेर जमाई तो ही प्रदेश में धन ने बड़ावर चक्कर में धन तो करवारा परपज में दो जना निकला कहीं सुनो दो चार दिन चालता रहा कुछ समय बाद सेठ और जम चालता वादा करता जावे कोई आज करो सेठ जी प्रवीण करे अब कुछ दिन बाद राजा चंद्र केतुरी नगरी में सेठ और जमई दो जना रात अंधारी पड़ जा अंधारो पड़ जा तो सेठ जमाई मन में विचार करे आज ने धर्मशाला ले ला और 28 हुई जावा काले सुबह आगलो स्टेशन देख यहाँ बजे काले अट्टो धंधो शुरू करो तो अट्टो करना तो सोच रहा हूँ
सत्यनारायण भगवान अब थोड़ा क्रोध की दो भाई सेठ जमे था मने हाल था वो मार नाम ने गर्भवती नहीं की थी था मने हूं किस तरह भूल गया। तो सजनो सत्यनारायण भगवान थोड़ो कोप की दो सेठ जमे चढ़ी धर्मशाला में होता एक एक तंत्री गांठ खराने दे माता नीचे देन होता वणी समय भगवान सत्यनारायण भगवान चार मायारा चोर बनाए राजा चंद्र केतुरी नगरी राजा चंद्र केतुरी नगरी में चोर बनाया और चार चार धनरी गांटा चोरी करी राजा चंद्र केतुरी नगरी में दौड़ता लगा पग बजावता लगा पग मारता लगा 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 जटे सेठ समय कोई होता जटे लेन बने चोर दम दम करी ने चारी घाटा नागिन अंतर ध्यान भगवान ना चोर अंतर ध्यान भगवान ना पास जाते जो भी घाटा बाजी सेठ जी एकदम पहुंच गया उल्टा भी आके हुकुम मूव हो गया सेठ जी कहीं देखे घटने चार घंटा पड़ी तकी घंटा पड़ी खोले देखी मैंने तो होना जवाहरात पड़े तक सेठ जी रो खतरनाक मन राजी हो सेठ जी जमाई जगह रहा जमाई जी हूं तो रहे तो हूं तो ही नीचे बाकी उठो भी इन देखियो कही है जमाई जी उठा व्याके हुकुम वो कही है अतरी दंडरी घंटा और वो भी चार चार खाखलरी घंटा वे तो माना ही करी दंडरी दान गऊ मकरी घंटा वे तो माना ही करी और चार घंटा और दंडरी और आपरा नसीब में वारे मारा सेठ जी ने तकदीर तो सजनो सेठ जी हासिल के हो ये तुम्हारे ऐसे सेठ जी का मारे तो विदेश में परदेश में मुझे हर बार तुम्हारे ऐसे सा तो सजनो अब राजा चंद्र केतुरा जो पहरेदार चार जो कि चोरा लार लार दौड़ता 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 आया आई ने कहीं देखे कि ये यानी यानी धर्मशाला में आवाज आई पाती पुली की आवाज आई भाई सेठ जी कहे कि जमाई जी वो ये वो अवेजेंटी थाने यो हार मारे यो चेन थाने या वेटी मारे उन दो ही जना पाती कर रहा है एक दूसरा रे अटिनो चार ही पहरेदार चेन बना चोर दो शेर जमाई ने पकड़ी पकड़ी ने पाजू पकड़ी ने बना ने अनि कदर रा दोवा लगा अनि कदर रा दोवा लगा दो ही शेर जमाई के यार हुकम था माने का ठोकरा मां कई की दो जो शो सैनिक क्यों पहरेदार क्योंकि वारे चोरा था राजा चंद्र केतुरी नगरी में था चोरी की थी और अटे था फिर शहर बनी रहा था अटे चोरी की थी आज दुनिया रख गरीबा रा लगा मनकारा करो था चोरी तो रोज ही करता बोला अगर अनि राजा रा था अटो नहीं दर पे तो था दूसरा टक केतुर था अन्न दोवानी राजा चंद्र केतुर दरबार पेश की था सेठ और जमाई ने पेश की था कि हे राजा आप रा दरबार मु आप रानी नगरी मु ना सेठ जमाई दोई हे जना आप रा नगरी मु चोरी की थी है रणा ने मार रखे आज पकड़िया है राजा चंद्र के तू होर भवके जो भवक्या कि आना मारा नगरी में चोरी की दिए आना ने जमीन में गड़वाई दो आना ने तेल उना उना तेल में तलवाई दू है राजा भगवान पचम वाली सत्यनारायण भगवान राजा चंद्र के तू राजा रा दिमाग में क्या कर रहे हुकुम आप हाल अतरो पोप मत करो ना तो हाल घना कांड की तक आना हाल घना तक देखना तो सजनो सेठ और जमीन दोनों जेल में ना के दीदा अब अटीने तो ही कलावती और लीलावती दुकान पे तो दुकान है जटे मनक राज कर लेता दुकान मनक छीन लेता आजकल आप भी अगर अपन को रोड़ी रोड़ी वे छोटी जगह जमीन में अगर दो पांच साल अगर अपने जगह ना देखा भी नहीं तो लोग इन पाटा नाकिन पर जान भीत कर दे और वड़ा नाम पे कर दे अगर अतरो टेढ़ रहा तो थोड़ा डेल रही है तो ही माता बिना डेल रही जो लोग दुकान पे राज करवा लगी क्या दनरो धूलो धूलो वेवा लग गयो धीरे धीरे माँ एक दस रो खर्चो करे तो बेटी बीस रो करे बेटी पच्चीस रो करे तो माँ पचास रो करे हूँ करता करता दनरो धूलो कर दे दो और अस्सी नौबत देगी तो ही माँ बेटी भीख मांगे जिसी नौबत देगी हमारा घर में एक दिन माँ अपनी बेटी ने केवल लगी कि हे कलावती अपनो धन क्यों कई दिक्कत नहीं मगर अपनो धर्म नहीं जानो चाहे अभी बोली भीख मांगी गुजारो करांगा पूरा धन भीख मांगा पर हाजी अपना घरे आवांगा क्योंकि अपनो धन क्यों सोई क्यों अपनो धर्म नहीं जानो चाहे हमेशा जिंदगी में यह चीज जानी कि धन पले जातो रे कई दिक्कत नहीं मगर धर्म कभी जिंदगी में नहीं जानो चाहे अपनो धर्म बिल्कुल जावा दोनों भी नहीं है रिपा तो चलो आ तो खेल मेल है आवे ने जावे आम तो जाओ हम लागे मगर कभी हूं धर्म रा नाम पे अगर कोई कही दे तो कट्टर रहना चाहे कट्टर कोई हां धर्म रा आते पिया नहीं है कई दिक्कत न मन नु आप धर्म री सेवा जरूर तन मन करना चाहे चलो कथा होनो नहीं कई दिक्कत नहीं मगर धर्म री रक्षा अपने अपने से करनी पड़े तो दूजा अपने धर्म री रक्षा करवानी है अपनी अपने हिंदू धर्म री अपनी से रक्षा करनी पड़े तो सजनों एक समय री बात माँ और बेटी तो भिक्षा लेवा निकली माँ तो बाप ने पांच बजे पहले पहले घर आई क्योंकि नियमों को भाई रात कटी रुकना नहीं भाजिया बोली भैया घरे पर आना एक गांव में कड़ी जगह सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही कलावती बनी कथा में जैन बेटी बेटी तो मनो मन लग गयो कथा में
कथा उठती उठती 10 बजे की 11 बजे की 12 बजे की 1 बजे की 1.5 बजे ने आरती भी आरती ने प्रसाद तो ने कोनी कलावती ने लागू गोरे मु कटे अटने मां बाप ने करे बेटी बेटी हूं टेंशन ले रही के वो मति वो असि गरीबी रदन मारी बेटी नहीं देख्या या तो कटन करते कालो मुंडो की दो या पछे कटे कटे कोड़ा वावड़ी देख्या या कटे कटे मरी की तो सोचनो बाप बेटी दौड़ती दौड़ती प्रसाद लेन करे करे इन मां ने कहो मां आडो खोल जो बेटी रो आवाज होनी तो मां ने लागो गो चलो कई टेंशन नहीं वाकनी कोड़ा बावड़ तो देखी पप्पा से मैंने बोले बेटी ने बेटी तू अच्छी देर कटे भी ने थाने पे पता ने हजार बार क्यों भाई थाने 5 बजे पहले पहले घर आनो बोले भिक्षा मांगा 5 बजे पहले पहले घर आनो अंदर रो कटे नहीं रो आप ही अपनी औरत जानते और लोग अपने पल पकी कलम को दे हैं तो सोचनो मां बेटी ने लड़ रही बेटी मां ने केवल लगी कि मां तू मने लड़ रही सही बात है मगर ले मां गांव में एक जगह सतनाम भगवान की कथा चल रही ले मां वो प्रसाद जी वाली बेटी मां राम ने प्रसाद ने आंखों की दो और वो मार कैसी पाची घूमी कि वो मती वो ये जो तकरदन है जो भगवान सतनाम भगवान इस मां वाली बेटी ने केवल लगी कि बेटी अड़ी प्रसाद री मौका थने हाल ठानी अड़ी प्रसाद कई कई अड़ी प्रसाद रा काम है जो मुथन होतो जंडे बेटी तू पैदा भी नहीं हुई वंडेम थारा पिताजी एक राजा ने दीदो भाई मारा करे जी तो मु थारे नाम री कथा करवाऊं हे बेटी वो मती वो वनिष्ठ परम प्रताप है वनिष्ठ सतनाम भगवान जी अपने अत्रो यो ओ ओ ओ भूल भुलैया में अपने फसाया वो मती वो बेटी अभी भी कैश नहीं बगड़ियो है तो देखो सजनो माँ और बेटी दो ही मल वणी समय ना दो ही पवित्र वे सुवे और जय सतनाम भगवान बढ़िया केल काम का मंडप बनाए और सतनाम भगवान हमें बेटी के हे प्रभु मानो गलती वे की माने माफी करो माफ करो और मारा पति जो भी माने दोबारा पति भी है बनाने भी थोड़ा सुख संपत्ति दो उनको राजी रखो अब दो ही माँ और बेटी भगवान सतनाम भगवान ने करुणा पुकार कर लगी रोती बिलक लगी भगवान ने अरदास करेगी हे मारा नाथ गरीब आरब अनि मारी गरीबी में अनि मारा दुखरा दन में आप पधारो तो एक माँ और बेटी भगवान सतनाम भगवान ने कड़ी प्रकार मनावर भगवान ने कड़ी प्रकार अरदास करते लिए बोले कि हे प्रभु हे मारा नाथ तो सुनो समय निकलता टाइम नहीं लगे कोई समय समरो आया करे कोई अगर इंसान अगर रीपा जाता है घमंड करते हुए तो भगवान मने समय रो बताई दे भाई मने पाछे गरीबी में लाई सके अनिले इंसान ने वक्त री कदर करनी चाहे अगर कोई प्या वालो तो भी मने कदी घमंड नहीं करना चाहे कोई मारे पास आता रीपा मने कटे कटे दान में देना पड़े दे देनो चाहे कड़ी छोटी मोटी कथा करानी चाहे कहीं कहीं अशुभ काम करना चाहे भगवान ने भी ठा पड़े कि चलो यू दान धर्म कर लो क्योंकि ये सेठ देख लो प्रत्यक्ष प्रमाण कई आवश्यकता नहीं माँ बेटी तो ही आनंद रहती राजा रईस रहती है अत्रो रिपो क्योंकि मनमन सोनो पहनती देती कंचन दान और एक दिन झोलो राम को जो घर घर की पनियार अत्रो होनो पहनती और देखो समय कई आयो घर घर में भीख मांगनी पड़ी घर घर में भीख मांगनी पड़ी केवल मतलब भगवान ने कभी भूलनो ही नहीं चाहते क्योंकि मनमन सोनो पहनती केवल मतलब यो ही से तो एक समय री बात तो ही माँ और बेटी भगवान सतनाम भगवान ने अरदास करते लोग बोले कि हे मारा सांवरा हे सत्य देवा हे सत्य भगवान कड़ी प्रकार तो ही माँ और बेटी भगवान ने अरदास करवा लगी हे प्रभु कहा हे सत्य देवा ओ स्वामी ओ सत्य देवा ओ स्वामी सत्य देवा अर भूल गई वो स्वामी थारी सेवा सत्य देवा ओ स्वामी सत्य देवा भूल गई स्वामी थारी सेवा लखपति से थारी बहु बेटिया लखपति से थारी बहु बेटिया
सत्यनारायण भगवान की। तो सजनों, माँ और बेटी, भगवान सत्यनारायण भगवान ने दिल अरदास की थी, कोई दिल अरदास करे भगवान ने तो भली, भगवान ने अभी एक रिपो भी मत मिलो, भगवान ने कहीं नारा अगरबत्ती भी मत चढ़ो, कोई दिलो भगवान ने अरदास करे, करुण पुकार करे भगवान ने अरदास करे, तो भगवान ने बने होननी पड़े। तो ही माँ बेटे भगवान ने अरदास की थी, हे मारा नाथ, माँ लखपति बेटिया रही बहु बेटिया, मगर आज रिया कंडीशन एक माँ याद घर घर में पीक मांग गया। तो सजनो, जो भगवान ने याद किया, भगवान को सिंहासन डोलियो, भगवान रात 12 बजे चंद्र केतु ने सपना में क्या कि हे राजा चंद्र केतु, थारा जेल ग्राम में शेर जमीन नाम रे दो है आदमी, अनने बाण सुबह वेताई अनने बाण निकाल दीजिए, और जत्री कांटारा पे अनने पे दोष लगायो, जत्री होना चांदरी कांटारो दोष लगायो है, बोलू चार गुना हेली कांटा देने वाले ने रिहा कर जे, बाकी थारो राज नष्ट कर दूला, तो राजा थे सुबह तक मार ना करो। भगवान विचार की तो कि ये माँ बेटी अना कई गलतियां आना दोबारा चक्कर, शेर जी की बुद्धि ऐसी है मगर अना जमाई रही और माँ बेटी का कोई कसूर। तो भगवान राजा चंद्र केतु ने अपना में क्या सुबह वेता ही राजा चंद्र केतु आदेश दो कि जाओ जेल में बना दो ही शेर जमाई ने बाहर निकाल लाओ। राजा सैनिक शेर जमाई दो ही बाहर लाया, दरबार में लाया, दरबार में लाया कि हे राजा, हे शेर जी, आप रपा कतरो धन हो, आपने आज रिहा कर रहा कतरो धन हो, जो माने कहो, क्योंकि देखो चमड़ी न जाए पर दमड़ी न जाए। सेठ जी पाचा, वो सेठ जी पर्वत रा इंसान बनी क्या, सेठ जी रे पाप पहले तो गांडा तो दो ही सी, मगर सेठ जी ने पूछो भाई आप रपा गांडा कतरी, आपने रिहा कर रहा आटू, आप रो सब निर्दोष दोष ने माफ कर रहा और सब ने रिहा कर रहा, तो सेठ जी रो दिमाग एकदम पासो फूलियो, सेठ जी एकदम क्यों भी हुकुम को मार पा तो नरी गांटा ही नरी चोइस, मतलब छे गांटा ही छे चोइस की छे गांटा, वा तो चोइस री छे री चार गुना हेलाज गांटा करी, चोइस गांटा करी ने वाला सेठ जमीन दोवानी सैनिक ने को गोन जाओ राणा री गांव, गांव री दिशा में एक बड़ी नाव में बैठाओ राणा ने ढुकेले। तो सजनो, राजा चंद्र के तो सेठ जमीन दोवानी नाव में बैठाया, नाव में बैठाई चोईसी घाटा वन में मेल और दोवानी वटो रवाना कीता, जुई रवाना कीता दो सेठ जमाई ने रवाना कर, सभी एक बार जोरदार जय घोष करे, बोलो सत्यनारायण भगवान की, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। देखो चाहे चाहे देखो एक मारी बात होनी जो सब जना हो जो एक मारी बात अगर ठीक लगे सबर हूं ध्यान मारी तरफ पहुंचाऊं सब एक बार मारी बात होने मैंने देख चुके। एक एक बार गई हो तो एक तो भजन गाओ एक ढोलक बजाओ रात के दिन मारी बात होने, मेरी माता बहनों सभी से निवेदन करता हूँ कि यो ये मारी बात होना कुछ कथा का लिए आधो घंटो हो रहे थोड़ी होने जो थोड़ा और सहन कर जो और जाके भी बहुत सुंदर है। चलो राजा नाव में बैठा, नाव में बैठा, नाव ने गेले की थी, जो ही नाव ने गेले की थी और अनिकथारो चौथो अध्याय प्रारंभ भी हो तीसरो अध्याय खत्म।